आसमान की दुनिया न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे बस दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लू आकर तो फिर भारत ही हो आना, तो फिर भारत ही हो आना। जय भीम। दोस्तों दोबारा से क्रांतिकारी जय भीम। बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को हो गया, आपकी पेशेंस को मैं 2-3 बार सलाम करूं तो भी कम है। बहुत ज्यादा टाइम, मैं तो बहुत लेट आया था, लेकिन उस लेट के बावजूद भी मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप लोग शांति बनाए हुए हैं, अपना कीमती टाइम और कीमती नहीं गोल्डन टाइम निकाल के आए हैं। मैं बहुत बुद्धिजीवियों को जानता हूं जो मंच के सामने मेरे साथी, मेरे साथ काम किए हुए लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इस मंच के सामने बैठे हुए हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। कुछ लोग जा भी चुके हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कई बार कि हम लोग जिस बात को सुनने के लिए आए हैं उस बात पे चर्चा ना करके बहुत सी चर्चाएं इधर उधर हुई हैं। मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है इधर मंच पे कार्यक्रम लोग, उनको भी आगे जाना है, आगे के प्रोग्राम नहीं हुए हैं, और आप लोगों का भी जो कीमती टाइम है वो भी बहुत ज्यादा मतलब खराब किया गया। मैं तो ये कहूंगा हम लोग नाथन सिंह जी जब मेरे को मिले तो उन्होंने एक दर्द बताया कि समाज के साथ जगह जगह राजनीतिक बातें बहुत होती रहेंगी, बहुत मिशन की बातें होती रहेंगी। साहब को सबने पढ़ा हुआ है, साहब को सबने सिखाया हुआ है, बाबा साहब को सबने सीखा हुआ है, उसके बावजूद आज हम लोग गिनतियों में हैं। जरूरत है हम लोग एक हो, जरूरत है एक मंच हो, जरूरत है एक नारा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हाथ नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग, ये नुकता कि रुक जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। दोस्तों एक ऐसा आंदोलन लाखन सिंह बहुत जी करना चाहते हैं जिससे आपकी सारी समस्याएं, जिन समस्याओं पे आप लोग बार बार बात कर रहे थे, कभी राजनीतिक पार्टी पे आ जाते थे, कभी बसपा पे चले जाते थे, कभी अपनी और लड़ाइयों पे चले जाते थे, लेकिन अगर आप लोग या मैं भी उनमें शामिल हूं, हम लोग मतभेद में बटे रहे जब तक एक जो इन्होंने उद्देश्य लिया है ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये सामाजिक जो अत्याचार आप लोगों के हमारे ऊपर हो रहे हैं, आपके ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर डेली एक ऐसा टाइम आ गया है कि आने वाला टाइम इतिहास जब कभी पीछे मुड़ के देखे तो आपकी नस्लें, आपके लोग ये ना बोले कि हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने अपने हिस्से का काम आज के दौर में नहीं किया, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। ऐसा हमारा समाज कभी ना बोले, इसी के लिए एक इंसान ग्वालियर से आके मेरे को भी आश्वस्त किया कि वीरेंद्र जी मैं 1,00,000 लोगों के यहाँ पर जनसभा करना चाहता हूँ और इस सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये 85% लोग दबे कुचले मजदूर गरीब कमजोर जरूर दिखते हैं, लेकिन अगर ये संख्या में इकट्ठे हो गए तो इनका एक एक थप्पड़ पूरी सरकार को उलट पुलट कर देगा। साथियों वो चीज इनकी मेरे भी दिमाग में घर कर गई। मैं भी आप लोगों से वही आग्रह करना चाहता हूं इनके माध्यम से, S3 के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग अपने सारे स्वार्थों को छोड़कर, अपनी सारी बातों को, जो भी जिस पार्टी से जुड़ा है, जो किसी दल से जुड़ा है, वो अपनी चीजों को भूल जाए। एक बार समाज के नाम पर दिल्ली में 70 विधानसभा है, हर एक विधानसभा से लोग यहाँ आए हुए हैं, नहीं आए हैं तो मैं तो ये कहता हूँ बसपा के लोग भी बैठे हैं, अपने सुभाष चंद्र जी बैठे हैं, अपने रमेश चंद्र जी, पार्टी क्यों नहीं आंदोलन कर रही पूरी दिल्ली में विधानसभा में, और अगर पार्टी
लोगों से बोलना चाहता हूं, कम से कम आप लोग ऐसी कमेटी बनाइए कि हर विधानसभा में आप लोग कम से कम 1,000-2,000 आदमी को इकट्ठा करें, जिसमें जो जिस दल से जुड़ा है, जिस पार्टी से जुड़ा है, जिस असामाजिक संगठन से जुड़ा है, वो लाखन सिंह के लिए मदद करें और वादा करें कि जो भी आप हमें डेट दोगे रामलीला मैदान के लिए, उस डेट के लिए हम 2,000 लोगों को, इतनी हमारी बसें होंगी, इतनी गाड़ियां होंगी, ये हमारी वीडियोग्राफी होगी, इन गाड़ियों के नंबर हैं, ये लोग उसको संचालन करेंगे, उनके नंबर ये हैं, हम आपको 2,000 आदमी मैं अपनी विधानसभा से दूंगा। ऐसी प्लानिंग कोई नहीं करके दे रहा है। सब लोग कोई पढ़ाने लग जाता है बाबा साहब को, तो कोई पढ़ाने लग जाता है काशीराम साहब को। वो लोग तो आपको देखेंगे, उन्होंने तो 3 मंत्र दिए, उस मंत्र को एक को मान लो, एक को मान लो कि आप लोग संगठित हो जाओ, आप लोग संघर्ष अपने लिए, इनके लिए नहीं, आपकी मेरे लिए नहीं, बढ़िया सबका चल रहा है। लेकिन अगर आपको कल समाज पूछे, आपके बच्चे पूछेंगे, और ये पक्का आने वाले टाइम में अगर आज आप सोते रहे तो कल ऐसा टाइम आएगा कि आपकी आने वाली नस्लें ये जरूर बोलेंगी कि जब टाइम था तब आपने आंदोलन क्यों नहीं किया, आपने अपने हिस्से का काम क्यों नहीं किया। आज हमारी जो दुर्दशा है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग एक आदमी, बहुत छोटी सी बात में कहना चाहूंगा, एक आदमी ना लोगों को कहानियां सुनाता था, गांव का प्रधान था, उसकी कहानी जो सुनता था वो उसी दिन मर जाता था। लोगों ने इस बात की बड़ी चर्चा हो गई कि इस आदमी की जो कहानी सुनता है वो उसी दिन मर जाता है। तो एक गांव का चौधरी आया, बोला भाई इस बार तो मैं भी कहानी सुनता हूँ, ये किसान आदमी है जो कहानी सुनाता है उसके साथ जब भी मर जाता है। तो चौधरी साहब गए, कहानी सुनी और निकल के आ गए। एक दिन हो गया चौधरी साहब नहीं मरे, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, ऐसे महीना बीत गया। महीने बाद चौधरी साहब भी खिसक गए। तो लोग, भारत का कल्चर है कि अफसोस करने जाते हैं, तो लोग गए भाई आप चौधरी साहब को कल मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करके आए थे, एक बोला हक्का पी रहे थे मेरे साथ, ठीक थे, तंदुरुस्त थे, ये मर कैसे गए? तो उन्होंने बोला उनके घर वालों ने कि भाई उसकी लखन सिंह की कहानी सुनी थी इसलिए मर गए। बोले भाई कहानी सुने हुए उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसकी कहानी तो जो सुनता है वो उसी दिन मर जाता है, और कहानी सुने हुए तो महीना हो गया। बोला भाई सुना हुआ महीना हो गया लेकिन समझ में आ रही थी इसलिए आज मरे। साथियों, आज अगर समझ जाते हो तो आपके हमारे लिए अच्छा दिन होगा। मैं तो यही कहूंगा अपने शब्दों को विराम देते हुए, और माफी चाहूंगा किसी भाई को कुछ मेरी बात से ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो। आप लोग संकल्प लो कि इस भाई को मजबूत करो। इनका जो गोल है 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करने का, उसमें अपनी आहुति दो, अपने आप को तैयार करो, अपनी जिम्मेदारियां लो और यहाँ लिखवाओ कि मैं इस विधानसभा से हूँ, मैं वहां से हूँ और मैं इतने लोगों को लाने का लक्ष्य लेता हूँ। और फिर मंथली मीटिंग इनके साथ करो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।